हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग रॉयल्टी। नंबर वन है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट इज दैट एग्रीड अमाउंट बिलो विच आर लैंडलॉर्ड नेवर एक्सेप्ट, मतलब जिसको लैंडलॉर्ड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, इन एनी ईयर फ्रॉम द पर्सन हु हैज टू पे रॉयल्टी। यहाँ पर दो पार्टीज होता है, लैंडलॉर्ड एंड लेजी। लैंडलॉर्ड ऑनर को बोला जाता है और लेजी किसको बोला जाता है, यूज़र को। और जो मिनिमम रेंट होता है उसको हम लोग न्यूनतम रकम भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड रेंट, डेड रेंट, फ्लैट रेंट और कॉन्ट्रैक्ट रेंट, इसको हम लोग ये सब भी बोलते हैं। इफ इन एनी ईयर द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, मतलब अगर कोई भी ईयर में अमाउंट रॉयल्टी का लेस हो जाता है मिनिमम रेंट से, रॉयल्टी का अमाउंट लेस हो जाता है मिनिमम रेंट से, देन लेजी हैज़ टू पे मिनिमम रेंट, तो मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा लेजी को। एंड इफ द ईयर रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, और अगर रॉयल्टी ज़्यादा है तो मिनिमम रेंट, तो लेजी हैज टू पे द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। लैंडलॉर्ड विल एक्सेप्ट हायर ऑफ मिनिमम रेंट और रॉयल्टी। जैसे एग्जांपल है, आउटपुट 10,000 टन, रॉयल्टी रेट 0.50 per ton, मिनिमम रेंट आपका 8,000 है, मिनिमम रेंट 8,000 है, रॉयल्टी 5,000 है। यहाँ पर आपका कम हो गया, ये शॉर्ट वर्किंग हो गया। लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना होगा 8,000 रुपया। दूसरा केस में सरप्लस हो जा रहा है, मिनिमम रेंट 8,000 है, रॉयल्टी 11,000 है, ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट, शॉर्ट वर्किंग। इन द ईयर इन विच मिनिमम रेंट इज मोर देन रॉयल्टी, मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा रॉयल्टी से, दैट सिचुएशन इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग, तो उस सिचुएशन को हम लोग शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा रॉयल्टी से। शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। व्हेन मिनिमम रेंट इज लेस देन रॉयल्टी, मोर देन रॉयल्टी, इट इज़ दैट अमाउंट विच द लेजी हैज़ टू पे, तो लेजी जो यूज़र है उसको पे करना होगा, हैज़ टू पे आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, उसको अपना पॉकेट से पे करना होगा, क्योंकि वो यूज़ कर रहा था ना किसी और का चीज़ को यूज़ कर रहा था। इसी में आपका नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड। रिक्यूप्ड का मतलब होता है रिकवर्ड। लेजी के लिए लॉस होगा, यूज़र के लिए लॉस होगा, क्योंकि उसको पे करना होगा। रिकवर किया जा सकता है आने वाले वर्षों में यदि सरप्लस हो तो, विद द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड, मतलब कि अगर लैंडलॉर्ड परमिशन देगा तभी वो रिकवर किया जाएगा सरप्लस हो तो। जैसे एक क्वेश्चन है, मिनिमम रेंट 12,000, रेट ऑफ रॉयल्टी 0.50 per ton, 2005, 2006, 2007, 8,000, 20,000, 30,000, रॉयल्टी 4,000, 10,000, 15,000, 12,000, 12,000 सेम है 12,000 का मिनिमम रेंट, मतलब हर साल सेम है। लेस करने के बाद आपका 8,000, 2,000, 3,000 आया, शॉर्ट वर्किंग हुआ यहाँ पर।
यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग होगी, यहाँ पर सरप्लस होगी, सरप्लस का केस होगा। नेक्स्ट है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, दिस इज एक्चुअली अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग, मतलब ये अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग होता है विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, और जो एक्चुअल लॉस होता है लेजी या यूज़र के लिए एक्चुअल लॉस। हैंस द अमाउंट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग दो टाइप का होता है, रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड। रिक्यूब्ड मतलब कि जो रिकवर किया जा सकता है, और अनरिक्यूब्ड जो कि रिकवर नहीं किया जा सकता है, जो कि एक्चुअल लॉस होता है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल टेबल, ईयर आउटपुट टन्स में रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी एंड सरप्लस, सरप्लस का फॉर्मूला रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, दोनों को माइनस करना है। नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड और फिर अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, जिसको रिकवर किया जा सकता है, और ये अनरिक्यूब्ड जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अमाउंट पेड टू ऑनर, अमाउंट पेड टू ऑनर, जो कि ऑनर को पे किया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रॉयल्टी अकाउंट्स इन द बुक ऑफ लेजी, दो पार्ट में है डिवाइडेड, विदाउट ओपनिंग मिनिमम रेंट अकाउंट एंड बाय ओपनिंग मिनिमम रेंट अकाउंट। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेजी, लेजी के बुक्स में, यूजर के बुक्स में, व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट इज नॉट टू बी ओपेंड, जब वो ओपन नहीं किया जाएगा। व्हेन रॉयल्टी इज लॉस इज लेस देन मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। फॉर मेकिंग रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी ड्यू करना होगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एक्चुअल अमाउंट जाएगा। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड, जितना पेएबल होगा लैंडलॉर्ड को, बीइंग रॉयल्टी ड्यू नरेशन। नेक्स्ट फॉर मेकिंग पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। फॉर ट्रांसफरिंग रॉयल्टी टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, इसका हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, जब दोनों इक्वल है, सरप्लस का केस है ना, नाइदर शॉर्ट वर्किंग नॉर सरप्लस, ये दोनों नहीं है। फॉर रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में रॉयल्टी दिया गया। फॉर मेकिंग पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग हो जाएगा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। फॉर ट्रांसफरिंग रॉयल्टी अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, सरप्लस हो जाएगा। फॉर मेकिंग रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी ड्यू करना होगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, या ऑनर हम लोग कह सकते हैं। फॉर राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग और रिक्यूबिंग शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। फॉर मेकिंग पेमेंट टू लैंडलॉर्ड आफ्टर रिक्यूबिंग शॉर्ट वर्किंग, ये हो जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है, लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग।
फॉर ट्रांसफरिंग रॉयल्टी टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेबल टू रॉयल्टी अकाउंट, ट्रांसफर करना है। व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट इज टू बी ओपन, जब ओपन किया जाएगा, तो मिनिमम रेंट अकाउंट इज ओपन व्हेन इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी उसको ओपन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मिनिमम रेंट अकाउंट इज ओपनड ओनली इन द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग, अगर शॉर्ट वर्किंग होगा तभी मिनिमम रेंट अकाउंट को ओपन किया जाएगा। फॉर मिनिमम रेंट पेएबल, तो हो जाएगा मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। फॉर ट्रांसफरिंग बैलेंस ऑफ मिनिमम रेंट टू रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। और फॉर मेकिंग पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक हो जाएगा पेमेंट करना। फॉर ट्रांसफरिंग रॉयल्टी टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी। जनरल इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ लेजर या लैंडलॉर्ड, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मार्जिन मिनिमम रेंट, तो हो जाएगा फॉर रॉयल्टी रिसीवेबल, जब रॉयल्टी रिसीवेबल होगा तो लेजी अकाउंट या यूजर अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट और टू रिजर्व अकाउंट। फॉर ट्रांसफरिंग पेमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट, लेजी यूजर हो गया ना। फॉर ट्रांसफरिंग रॉयल्टी रिसीवेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और जब इसका केस होगा, तो जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इक्वल होगा तो लेजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट, रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इस केस में वन रॉयल्टी रिसीवेबल, तो लेजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट, एंड लास्ट रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट।